ज्योतिष शास्त्र। आज भी हमारे समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आपका भला होगा, इंसान का भला होगा। और इसके लिए ही ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के नाम पर दुकान खोल के बैठे रहते हैं, चेम्बर खोल के बैठे रहते हैं और अपने पास समस्याग्रस्त लोगों को बुलाने के लिए टीवी, अखबार, सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिया करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा लोगों के समस्या का समाधान करने के लिए ज्योतिषी टीवी, अखबार, सोशल मीडिया पे विज्ञापन दिया करते हैं। अपने विज्ञापन में ज्योतिषी दावा करते हैं कि आपके जीवन में किसी भी समस्या का हम गारंटी के साथ समाधान कर देंगे। समस्या यानी शारीरिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, शादी विवाह, बाल बच्चे, गृह क्लेश, कुछ भी हो, हम हर एक समस्या का समाधान ज्योतिष शास्त्र के द्वारा कर देंगे। ऐसा दावा ज्योतिषी अपने विज्ञापन में किया करते हैं और विज्ञापन में और भी अजीबोगरीब दावा करते हैं। लेकिन दावा करने वालों को ही यह साबित करना पड़ेगा कि उनका दावा सही है या नहीं। लेकिन हम वास्तव में क्या देखते हैं, जब कोई व्यक्ति ज्योतिषियों के इस तरह के विज्ञापन देखकर ज्योतिष के पास जब चले जाते हैं तो वह ज्योतिषी उस व्यक्ति का यानी समस्याग्रस्त व्यक्ति का समस्या का समाधान करने के नाम पर उसका कुंडली बनाते हैं, यानी जन्म कुंडली बनाते हैं और जन्म कुंडली के आधार पर ज्योतिषी ये बतलाते हैं कि आपके जीवन में अमुक समस्या है और इस समस्या का समाधान करने के लिए आपको ताबीज लेना पड़ेगा, ग्रह रत्न करना लेना पड़ेगा या यज्ञ आदि करना पड़ेगा और इसके बदले में ज्योतिषी आपसे मोटी रकम लेता है। यानी आपको ज्योतिषी आपके समस्या का समाधान करने के नाम पे जो ताबीज, कवच, ग्रह रत्न दिया है या जग आदि करवाता है उसके बदले में ज्योतिषी पैसा लेता है। यानी ज्योतिषी आपके जीवन में समस्या का समाधान करने के बदले में आपसे मोटी रकम लेता है। आप सोचते हैं कि जो ज़्यादा पैसा लेकर आपके समस्या का समाधान करने का दावा करता है वह ज्योतिषी बहुत पहुँचा हुआ है और आपके जीवन का हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हम युक्तिवादी, हम तर्कवादी हमेशा चुनौती के साथ, दावे के साथ कहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र एक पाखंड शास्त्र है। लेकिन हम युक्तिवादी तर्कवादी या चुनौती के साथ, दावे के साथ कहेंगे ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी भी इंसान का कोई कल्याण नहीं हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ज्योतिषी सिर्फ अपना ही कल्याण करता है, इसके लिए विज्ञापन दिया करता है टीवी पे, अखबार पे, सोशल मीडिया पर। और ऐसे ज्योतिषी को विज्ञापन देखकर लोग ज्योतिषी के पास पहुंच जाते हैं। और आप जब किसी ज्योतिषी का विज्ञापन देखकर उसके पास चले जाते हैं तो मान लीजिए आप जरूर ठगी का शिकार बनेंगे। सिर्फ ठगी का शिकार ही नहीं, मौका मिला तो वह ज्योतिषी आपके घर में घुसकर और भी बड़ा ठगी का काम कर सकता है। अगर आपके घर में कोई महिला है, आपके घर में बहू बेटी है, तो हो सके वह ज्योतिषी यानी जिस ज्योतिषी को आपके घर में समस्या का समाधान करने के लिए बुलाए हैं वह ज्योतिषी मौका देखकर ज्योतिष शास्त्र के नाम पर आपके जीवन में समस्या का समाधान करने के नाम पर आपके घर के बहू बेटी के इज्जत पर हाथ डाल सकता है। शायद मेरे इस बात पर आपको आश्चर्य होता होगा लेकिन यह सत्य है। हम युक्तिवादी, हम तर्कवादी चुनौती के साथ कहेंगे जो जितना बड़ा ज्योतिषी वह उतना ही बड़ा पाखंडी, चिटिंगबाज हुआ करता है और इनका एकमात्र उद्देश्य है जो लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, जो लोग ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करते हैं, ज्योतिषियों पर विश्वास करते हैं, भाग पर विश्वास करते हैं, उन्हें किसी भी तरह से अपने जाल में फंसा कर उन्हें लूटना। और इस लूट मार के लिए ज्योतिषी विज्ञापन दिया करते हैं। लेकिन अंधविश्वास में डूबा हुआ लोग इस तरह के भ्रमपूर्ण ज्योतिषियों के विज्ञापन में फंस कर, ज्योतिषियों के जाल में फंस कर उस ज्योतिषी कभी कभार अपने घर में बुलाया करते हैं और यह ज्योतिषी मौका देखकर आपको आर्थिक रूप से ठगेगा ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से ठगेगा और मौका मिला तो आपके घर के बहू बेटी पर हाथ भी डाल सकता है, इज्जत
खराब कर सकता है, कुकर्म कर सकता है या पाखंडी ज्योतिषी। तो इससे संबंधित चलिए एक वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूँ, जो वीडियो हुआई आई एम रसली संतोष मा मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने लाइव टेलीकास्ट किया था, उसी का एक अंश मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए वह अंश दिखाता हूँ जहाँ एक ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के नाम पर लोगों के समस्या का समाधान करने के नाम पर क्या क्या कुकर्म करता है, उसका एक अंश। ये खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है जहाँ ज्योतिषी हाथ देखने के बहाने एक कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म करने की कोशिश की और एक ज्योतिषी समेत दो लोग गिरफ्तार हुए थे। तो यहाँ पे हाईलाइटेड एक पोर्शन है, चलिए इसको पढ़ा जाए। पश्चिम बंगाल में लगातार रेप की घटनाएं घट रही है और जब उत्तर 24 परगना जिले के गारुलिया में एक कॉलेज की छात्रा का हाथ देखने के बहाने ज्योतिष और उसके साथी पर दुष्कर्म करने की कोशिश करने का आरोप लगा है। यहाँ पे हाथ देखने के बहाने ज्योतिष ने कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म करने की कोशिश की और हो गए गिरफ्तार। उन दोनों की तस्वीरें मीडिया ने खूब सुंदर से सजाकर आपके सामने पेश किया है। आप इन तस्वीरों को थोड़ा गौर से देखिए। अगर आपके कहीं इलाके में मिल जाए ये बंदा थाने से या अदालत से छूटने के बाद, तो थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि ये जो ज्योतिषी है उनके साथ कोई साथी हैं, तो इनका एक ही काम है, विशेष करके महिलाओं का या युवतियों का हाथ देखने के बहाने उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करेंगे, अतः ज्योतिषियों से सावधान रहिए। तो चलिए इस खबर को विस्तारित रूप से पढ़ा जाए, आप भी पढ़िए और देखते हैं खबर में क्या है। पश्चिम बंगाल में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है। बोलपुर, भांगर, बसीरहाट से लगातार रेप और अभद्रता की खबर सामने आई। विपक्ष महिला सुरक्षा लेकर ममता बनर्जी सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है। उत्तर 24 परगना के गारुलिया में एक्चुअली ज्यादातर जो ज्योतिषी बन के आते हैं ना, वो एक्चुअली पहले जेल या क्रिमिनल रिकॉर्ड होता ही होता है। तो यहाँ पे जो भी ज्योतिष के पास जा रहा है ना, एक बार चेक करना चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन कि कहीं उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है पहले, मतलब पहले कैदी था और अब यहाँ के कुछ कर रहा है ये ठगी का काम। तो चारवाग जी, ये जो एक महत्वपूर्ण खबर मैंने रखी है सामने, चलिए इस खबर को पूरा पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग विस्तार से लोगों को बताएंगे कि आपके घर अगर कोई ज्योतिषी आते हैं तो क्या क्या उसके लिए उपाय करके रखेंगे, या आप जब किसी ज्योतिष पास जाते हैं तो क्या क्या उपाय अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले खबर को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं, यह खबर इम्पोर्टेंट है। तो पश्चिम बंगाल में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है। बोलपुर, भांगर, बसीरहाट से लगातार रेप और अभद्रता की खबर सामने आई। विपक्ष महिला सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है। उत्तर 24 परगना के गारुलिया में घर में घुसकर कॉलेज की छात्रा से रेप की कोशिश करने के आरोप में ज्योतिषी और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर इलाके में काफी दहशत है। पुलिस इस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि उक्त परिवार में बहुत दिनों से ज्योतिष का आना जाना लगा रहता था। वह घर विभिन्न मंत्रों का पाठ करता था और धार्मिक अनुष्ठान करवाया करता था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी पर परिवार के सदस्यों का काफी विश्वास था। परिवार के सदस्य उस पर काफी विश्वास करते थे और कोई भी सदस्य आने के बाद उनके संपर्क करते थे, उनसे समस्या का समाधान करवाते थे। हाथ देखने के बहाने दुष्कर्म करने की कोशिश। शनिवार को कॉलेज की छात्रा उनसे हाथ दिखाने की इच्छा जताई। उनके साथ एक और सहयोगी था। उसने लड़की की मां से कहा कि उसे 9000 रुपए का भुगतान करना होगा। छात्रा की मां ज्योतिष की बातों पर भरोसा करती थी
वह पैसा लेने के लिए गई। कथित तौर पर उस समय लड़की का हाथ देखकर उसने उस कॉलेज की छात्रा को देखा और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। उस वक्त उसके प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश करने का आरोप लगा। उसके बाद पीड़िता चिल्लाने लगी। क्षेत्र के स्थानीय लोग वहां पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। नुआपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी ने दो ज्योतिषी को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ की जा रही है। हुआई आई एम रसलेश संतोष शर्मा पर मैंने लाइव टेलीकास्ट किया था, उसका एक अंश आपने देखा और इससे आपको यह समझ में जरूर आया होगा कि ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के नाम पर किस तरह से लोगों को ठगते हैं, तन मन धन से ठगते हैं। मौका मिलता है तो आपके घर में माँ बेटी बहू के इज्जत पर भी हाथ डाल सकता है, इसलिए ऐसे पाखंडी चीटिंगबाज 420 ज्योतिषियों से सावधान रहिए। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करेंगे तो जरूर ठगी का शिकार बनेंगे। अगर आप ज्योतिष पर विश्वास करेंगे, ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करेंगे, ज्योतिषियों पर विश्वास करेंगे तो जरूर ठगी का शिकार बनेंगे। इसलिए अपने तन मन धन की सुरक्षा के लिए, आपके घर में बहू बेटी की इज्जत की सुरक्षा के लिए किसी ज्योतिषी को अपने घर पर मत बुलाइए, क्योंकि इन ज्योतिषियों का एकमात्र लक्ष्य होता है कि अंधविश्वास में डूबे हुए लोगों को ठगना और मौका मिला उनके घर में घुसकर उनके माँ बेटी के इज्जत पर हाथ डालना। तो ऐसे ही खबर अक्सर मीडिया में आती है और आप भी शायद देखते होंगे। आपको सतर्क करने के लिए, जानकारी देने के लिए कि इन पाखंडी ज्योतिषियों से सावधान रहिए। अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान आप खुद करने की कोशिश करिए। लेकिन आपको एक युक्तिवादी के नाते एक चुनौती के साथ बताना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र सिर्फ एक शास्त्र है, ज्यादा कहें तो ठग शास्त्र है, और इस ठग शास्त्र के द्वारा किसी भी इंसान का, कोई भी व्यक्ति जो खुद को ज्योतिषी बताता हो, वह भी नहीं कर सकता आपका जीवन का कोई भी समस्या का समाधान। यानी ज्योतिषी जो दावा करता है कि आपके जीवन की किसी भी समस्या का समाधान हम कर देंगे, तो ऐसा वाकई में संभव नहीं है, वास्तव में संभव नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। सिर्फ ज्योतिषी लोग ठगने के लिए, अपनी ठगी का दुकान चलाने के लिए विज्ञापन दिया करते हैं और अंधविश्वास में डूबे हुए लोगों को जाल में फंसाकर उन्हें तन मन धन से लूटते हैं।